चैनल देखण आले सारे दर्शकों ने घनी घनी राम राम। आज सवेर की खबरों की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान शू करा। अशोक गहलोत कहो कि राज्य में जल्द शुरू होनी चाहिए है आर्थिक गतिविधियां। जे व्यापार न चालियो तो लोग भूखा मर जावेगा। एक अंग्रेजी अखबार ने दियो इंटरव्यू में वे कहो है कि आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकार को राजस्व जीरो हो गयो है। इस हालात में कर्मचारियों ने सैलरी र पेंशन देन में सरकार ने मुश्किल होवे ली। केंद्र आर्थिक क्षेत्र में छूट दी है, पर मुख्यमंत्री को मानना है कि जक्का इलाका में कोरोना को प्रकोप कोनी बा इलाका में और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए है। इसे इलाका में सोशल डिस्टेंसिंग के सगे काम शुरू हो सके है। अगली खबर प्रधानमंत्री की वीसी हूँ जुड़ेड़ी है। प्रधानमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों सगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटा ताई चर्चा करी। ई चर्चा के मायने मुख्य मुद्दा लॉकडाउन, कोरोना हॉटस्पॉट, इकोनमी, हर प्रवासी मजदूरों का रेया। प्रधानमंत्री कहो कि कोरोना संकट गो प्रभाव कई महीना ताई दिखाई देवे लो। ई कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी एक बार फिर शुं राजस्थान की सराहना करी है। प्रधानमंत्री मोदी आज चौथी बारी मुख्यमंत्रियों सागे कॉन्फ्रेंसिंग करी। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना करी कि वे कई बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और दूसरे राज्य ने भी राजस्थान को अनुसरण करना चाहिए है। मुख्यमंत्री गहलोत भी राजस्थान सरकार की सराहना करण खातिर मोदी जी ने ट्विटर हूँ धन्यवाद दियो है। 3 मई हूँ बाद में भी लॉकडाउन बढ़नो तय है। पीएम की वीसी में ज्यादातर सीएम आ ही राय रखी है। अजय देश में लगातार पॉजिटिव मामला आ रहा है। इससे हालात में लॉकडाउन जारी रखियो जावे। सागे बात पर भी जोर दियो कि आर्थिक गतिविधियां में भी छूट मिलनी चाहिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को साफ संकेत दियो है। गहलोत कहो है कि राज्य और जिला के मई परिस्थितियां के हिसाब लॉकडाउन बढ़ाने और छूट देने पर विचार हुए लो। 3 मई तक लॉकडाउन हटाने के सवाल पर बे स्पष्ट कहो कि एक बारी तो इसो ही लागे कि लॉकडाउन आगे बढ़े लो और लोगों ने ई बात खातर मानसिक रूप से तैयार रहने को कहो। एक खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार बेरोजगारों ने बहुत बड़ो झटको दियो है। कोरोना संकट काल के चालते हुए सरकार कहो है कि अब अगले 1 साल तक कोई नई भर्ती कोनी होवेली। आ जानकारी ट्विटर पर सरकार साझा करी है। अगली खबर राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव हूँ जुड़ी है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ 2328 होगी है। आज 9 बजे तक राजस्थान में 66 नया मरीज कोरोना पॉजिटिव का मिला है। धौलपुर में 2, जोधपुर में 13, अजमेर में 11, सीकर में 1, कोटा में सारा ज्यादा 19 और जयपुर में 17 नया कोरोना पॉजिटिव मिला है।
राजस्थान खातर एक खुशखबरी है। देश में रोगियों की ठीक होने की दर 23.4% पर है, जबकि राजस्थान देश के मुकाबले बड़ी तेजी हूँ कोरोना पॉजिटिव की रिकवरी करन लाग रही है। 30% की रिकवरी रेट है। बीकानेर जिले री रिकवरी रेट सारा हूँ ज़्यादा है, बा है 97.29। 37 में हूँ 36 मरीज बीकानेर में ठीक हो चुका है, जबकि जयपुर की रिकवरी रेट नेशनल रिकवरी रेट हूँ बहुत नीची है, आ सिर्फ 7% है। मारो ओ चैनल थाने किया लाग्यो ई बारे में कमेंट करके जरूर बताइयो। और हाँ, अगर थाने आ वीडियो पसंद आई है तो इन लाइक जरूर करियो और ज़्यादाओं ज़्यादा शेयर करियो। और इसी ताज़ा अपडेट राजस्थानी में सुनने खातर मारे चैनल ने सब्सक्राइब करो। जल्द ही नयो वीडियो लेके थारी सेवा में हाजिर होवांगा। तब ताईं